नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। सीतापुर के बीआईपी रोड, जिस पर सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले बने हुए हैं, उसी रोड पर अहिल्या बाई की मूर्ति के नीचे एक वृद्ध महिला कई महीनों से खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने पर विवश है। इस महिला के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने को खाना। वृद्ध महिला से बात करने पर पता चला कि वह महिला बेसहारा है तथा अपनी जीविका दूसरों के घर में झाड़ू व पोछा करके कर रही है। इस वृद्ध महिला को सरकारी योजनाओं के नाम पर कुछ हाथ नहीं लगा है। इस बीआईपी मार्ग पर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु इस वृद्ध महिला पर किसी प्रशासनिक अधिकारी की नज़र तक नहीं पड़ी है। प्रशासनिक अधिकारियों की गरीबों को कंबल तथा राशन सामग्री बांटकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, परंतु जमीनी हकीकत इस महिला को देखकर सब कुछ बयां कर रही है। आइए आप भी देखें कि सरकारी दावों की जमीनी हकीकत क्या है। दादी, आप यहाँ पे बैठी हैं? हाँ। क्या आपके घर नहीं है? घर कहाँ भैया, घर होते तो फिर ही यहाँ का बैठे होते। घर होती तो का यहाँ बैठे होते, घर तो है ही नहीं हमारा। तो कैसे काम चलता है आपका? आप यहाँ बैठी है रोड पे ऐसी ठंडक पे? अब कहा कर, यहाँ काम धंधा कर ली थे ना, ये तो रही तो क्या काम करती है? कहीं तो खाना बनाए तो झाड़ू पोछा सा कर ली, घर में काम हम कर ली थे। रात में कहाँ रुकती है? रात में है, यहाँ दुकान बंद है। सरकार कह रही है कि हम गरीबों को सब कुछ दे रहे हैं और आप जो है ऐसी ठंडक में रोड पे बैठी हुई। फिर हम का कहूँ, कुछ दे देना है इनका करें। आप काली कॉलोनी के लिए आपने कोई फॉर्म वर्म? हाँ, पहले भरे ना तो वहाँ कुछ ना है बाबा, तो फिर कॉलोनी में कुछ मिल गई नहीं। इधर से अधिकारियों का बंगला है इधर। अच्छा अच्छा। रोज अधिकारी निकलते हैं। हाँ हाँ। क्या आपके पास अधिकारी एक बार भी आए? ना, एक तो देखे मेरे साथ ना है। आप ऐसी ठंड में फिर जो है कहते हैं मतलब? अरे तो यार इसे बोलना भी छोड़ना है भैया, तो यार ओल बना ली थे और खाना ना बना खा ली थे, अपन इधर लेट रही थे। आपके बच्चे हैं? बच्चे ना है भैया, ये बच्चे। हाँ। आपके पास घर इससे पहले था? हाँ पहले रहा है। तो क्या हुआ था? अब बिक गो भैया, रिश्तेदार बेच दिन, ये रहा प्रेम नगर में घर मकान ना है, अब ना है घर मकान। कैसे कैसे गुजारा चल रहा है आपका? अरे गुजारा तो भाई से काम धंधा करी सके तो गुजारा चल तो कैसे। अच्छा, डीएम साहब से कुछ अपनी बात कहना चाहेंगी? हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्या कहेंगे डीएम साहब? कहीं मेरे पास साहब घर मकान ना है, कॉलोनी दवा जो यही कही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो सुधा सिंह है। सरकार जहाँ पर बड़े बड़े दावे करती हुई दिखाई देती है कि मैं हम गरीबों के साथ हैं और हम उनको आवास दे रहे हैं और बेसिक मुहैया चीज़ों को करा रहे हैं, वहीं पर सीतापुर का जो एक पॉश इलाका है जहां पर सभी अधिकारियों के आवास हैं, वहीं पर हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि एक अहिल्या बाई की प्रतिमा स्थापित है, जहां उसके नज़दीक एक माता जी ऐसी ठंडक कड़कड़ाती ठंडक में अपना जीवन यापन रोड पर कर रही हैं। ना इनके पास रहने का आवास है और ना ही इनको जीविका चलाने का कोई माध्यम है, जहां पर सरकारी दावे पूरे फेल होते नजर आ रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि इस खबर चलने के बाद क्या जिला प्रशासन इस वृद्ध महिला के विषय में कोई संज्ञान लेता है, ये समय आने पर ही पता चलेगा। कैमरामैन अजय के साथ मैं राजेश शुक्ला, सीतापुर वाइस के लिए।